संग्रहालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिले के नव पदस्थापित जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से जिले का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद अम्बेडकर सभागार में विदाई समारोह में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की ओर से उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया और अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी द्वारा पाग और चादर व माला पहनाकर दोनों जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में कार्यालय अधीक्षक संग्रहालय द्वारा कर्मियों की ओर से दोनों जिलाधिकारियों को पाग चादर से सम्मानित किया गया। निवर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा, बाढ़, निर्वाचन, कोविड-19 महामारी के दौरान एवं अन्य प्रशासनिक मसलों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए निवर्तमान जिलाधिकारी याद किए जाते रहेंगे। उप विकास आयुक्त ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें निवर्तमान जिलाधिकारी के साथ विगत 14 महीने कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बाढ़, निर्वाचन, कोविड-19 महामारी के दौरान निवर्तमान जिलाधिकारी त्यागराजन की कार्यकुशलता की प्रशंसा भी की। 2010 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा से हूँ और इससे पहले मैं सीतामढ़ी में और वैशाली में खगड़िया जिले में भी जिला पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हूँ और यहाँ आने से पहले ग्रामीण विकास विभाग में अपर सचिव के रूप में, मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली मिशन के रूप में, एडिशनल सीओ जीविका और निदेशक कृषि के रूप में कार्यरत था। और दरभंगा, जैसा कि आपके जिला आप लोग जानते हैं कि दरभंगा मिथिला की नगरी है और यहाँ के विकास के लिए जो निवर्तमान जिला पदाधिकारी द्वारा प्रयास किया गया है, हम सब लोग उसको जारी रखेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सब लोग मिलके जिले के सारे लोगों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आप प्रशिक्षण विकास की जो प्राथमिकताएं सरकार के द्वारा निर्धारित होगी और जो जिले के जनता के हित में होगा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर लगातार। ये कोविड के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम बचाव के जितने प्रयास हैं उसको अपनाएं, लोगों में जागृति आए, जागरूकता आए कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका शीघ्र पालन करें। हम लोग जानते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसके संक्रमण की गति काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग उसी गति से उसके बचाव के मार्ग अपनाएंगे, साथ ही जो भी इलाज की प्रक्रिया है उसके लिए जो तैयारी है उसको हम लोग और बेहतर करते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। आज आप बस एक परिवार के रूप में हम सब लोग मिलकर के कार्य करें, जिले के विकास की हम शुभकामना करते हैं, जिले के हर व्यक्ति के लिए खुशी और प्रगति की हम कामना करते हैं, उसके लिए हम सब लोग लगातार। दरभंगा से सुमित झा की रिपोर्ट। एक अचंभित करने वाला मामला सहरसा जिले से सामने आया, जहां प्लास्टिक के डुप्लीकेट अंडे की शिकायत लेकर युवक बाबुल कुमार एसपी और डीआईजी से लेकर फूड ऑफिस पहुंच गया। एसपी, डीआईजी और फूड इंस्पेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद सिविल सर्जन ऑफिस अंडा लेकर पहुंचा और मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दी। इसके बाद सिविल सर्जन ने मामले को गंभीरता से लिया और फूड इंस्पेक्टर से बात कर अंडे को सील कराकर जांच में भेजने की बात कही। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। सर, इधर जो है कॉन्स्टेबल लोग समस्या देखिए बता रहे हैं, समस्या ऊपर में नहीं है, हैं पूरा इस कितना बड़ा मैटर है। हम इस मैटर से अवगत करवाने के लिए जो है श्रीमान के पास, डीआईजी साहब के पास जा रहे थे, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं वो एक बार भी जो है उनसे मिलने ही नहीं देते हैं। उनको तो मिलाना चाहिए ना जी, सबसे मेन मैटर है ये। ऐसे चीज़ों फूड ऑफिस आया है, क्या है पूरा मामला? ये हम रात में अंडा लिए थे, तो वो अंडा जो था जब हम बनाने घर में गए तो वो अंडा को बनाने पे पता चला कि वो पूरी तरह प्लास्टिक से बना हुआ है। फिर इसके लिए जो है हम फिर से अंडा को थोड़ा जो है तोड़ करके भी देखे, जला करके भी देखे, लेकिन उसमें पूरा तरीका से वो स्पष्ट हो गया कि ये प्लास्टिक का ही है। इसको लेकर जो है हम विभिन्न जगहों पर गए, जो संबंधित विभाग है वहाँ भी गए। तो कहाँ गए थे आप? जी, डीआईजी साहब के यहाँ गए थे, एसपी साहब के यहाँ गए थे। उसके बाद जो है हम अभी फूड सप्लाई ऑफिस, सिविल सर्जन ऑफिस सहरसा के पास जो है यहाँ भी आए और यहाँ पे इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और हमसे वो फूड सैंपलिंग लिया और उसे जो है सील करके जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिर इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अंडा कहाँ खरीदे थे? अंडा जो है हम गंगजला में लिए थे। कितना अंडा लिए थे? गंगजला में 6 अंडा लिए थे। सभी अंडा प्लास्टिक का? जी, पूरी तरह से पूरा प्लास्टिक का है और हमको ऐसा अनुमान है कि सहरसा में पूरे धरल्ले से प्लास्टिक के अंडे का कारोबार हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बाबुल कुमार सिंह। एक व्यक्ति द्वारा इसे शामिल लाया गया है
उसको रख के सील करवा दिया गया है, वो टेस्ट में भेजा जा रहा है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है, प्लास्टिक का अंडा का दावा किया जाए? ये ऊपर से कुछ नहीं बता सकते हैं, जब तक टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक नहीं उस पर किसी तरह का कोई भी कमिटमेंट करना अभी संभव नहीं। बिहार से शिव कुमार भगत की रिपोर्ट।